अल्लाहम आज का हमारा टॉपिक है रोटा वायरस रोटा वायरस जो है वो इंड्राइटस कॉज करता है ठीक है यानी इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ठीक है अब रोटा वायरस जो होता है वो एक डबल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस है ठीक है रोटा वायरस क्या है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस है और कहा जाता है कि रोटा वायरस इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द इवर्मेंट यानी इंक्लूडिंग एयर वाटर ये हर जगह पर प्रेजेंट होता है रोटा वायरस जो होता है ठीक है रोटा वायरस जो होता है वो हर स्पीशी का अपना स्पेसिफिक रोटा वायरस है ठीक है जो उनमें डिजीज़ कॉज करता है ठीक है ये जो होता है वो दूसरे पैथोजेंस के साथ यानी इंटस्टाइन के दूसरे पैथोजेंस के साथ जो होता है वो डिजीज़ कॉज करता है रोटा वायरस होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर ठीक है अब काव्स के अंदर ये जो डिजीज़ कॉज करेगा ये फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में काव्स की डिजीज़ कॉज कर देता है यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है हर स्पीशी का जिसके अंदर जो है वो ये रोटा वायरस उनका अफेक्ट करता है काव्स के अंदर रोटा वायरस जो होता है वो, वो स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में उनको अफेक्ट करता है फिर पिगलेट्स के अंदर ये जो होता है वो फर्स्ट सेवन वीक्स ऑफ लाइफ में रोटा वायरस उनको अफेक्ट करता है ठीक है और ये जो टाइम होता है वो को रेस्पॉन्ड करता है कि जैसे जैसे कलास्ट्रम और मतलब विनिंग के बाद जैसे जैसे कलास्ट्रम की और दूसरे मिल्क एसोसिएटेड जो एंटी रोटा वायरस एंटीबॉडी टाइटर्स हैं वो कम होते जाते जाते हैं तो वैसे वैसे जो है वो रोटा वायरस उनको अफेक्ट करता रहता है ठीक है फिर उसके बाद इसके अंदर सारे सिम्टम्स शो हो होंगे कि इसके अंदर येलो फ्लू डायरिया होगा ठीक है येलो कलर का डायरिया होगा ठीक है येलो फ्लूड उसने होगा डायरिया में ठीक है स्पीयर डायरिया होता है इसके अंदर उसके बाद एनिमल जो होता है वो अपियर डिप्रेसड एनिमल बिल्कुल डिप्रेस नजर आता है यानी बिल्कुल वो मूवमेंट के लिए तैयार नहीं होता ठीक है अनविलिंग टू स्टैंड एंड मूव एंड ईट एंड ड्रिंक ठीक है तो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता फिर फ्यू स्ट्रिंग्स ऑफ थिक स्लाइवा हैंगिंग फ्राम द लिप्स यानी कुछ काव्स या, या पिगलेट्स के अंदर देखा गया कि उनके अंदर जैसे थिक स्लाइवा जो होता है उनके लिप्स से हैंग कर रहा होता है थिक लाइवा की स्ट्रिंग्स जो होती है ठीक है फिर एक क्या देखा गया कि इंटस्टाइन जो होती है वो डिस्टेंडेड होती हैं विद येलो फ्लूड इंटस्टाइन तो होती है डिस्टेंड हो जाती है यानी फ इंटस्टाइन जो होती है वो बड़ी हो जाती है फूल जाती है येलो कलर के फ्लूड से इन केस ऑफ फ्रोटा वायरस ठीक है इंट्राइटस कॉज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर इंटस्टाइन में जो होता है वो येलो कलर का फ्लोड जो है वो इटस्टाइन को डिस्टेंड कर देता है फिर इसके बाद माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो इंटस्टाइन में हमें पता है कि वे होते हैं यानी विलाए होते हैं तो विलाय क्या करता है रोटा वायरस होता है उन विल विलई का वहाँ पर फंक्शन क्या होता है कि विलय जो होते हैं वहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे होते हैं फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ठीक है तो रोटा वायरस क्या करेगा ये विलाई की भी स्लफिंग कर देगा विलई को विलई की स्लफिंग कर देगा उनकी ब्लंटिंग कर देगा और उनकी फ्यूजन कर देगा यानी विलस भी जो होते हैं ब्लंटिंग होता है किसी चीज़ का बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाना यानी जो चीज़ पहले स्ट्रॉग थी उसका लेस फंक्शनल हो जाना तो विलस के होंगे वहाँ पर विलस की स्लफिंग हो जाएगी उनकी ब्लंटिंग हो जाएगी और फ्यूजन हो जाएगी जो विलय की है इन केस ऑफ रोटा वायरस के इंटराइटिस में ठीक है उसके बाद ये डिजीज़ जो होती है स्माल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है और ऐसा ऐसा जो होती है वो मिडिल और डिस्टल स्माल इंटेस्टाइन तक रोटा वायरस जो होता है वो इंटराइटस कॉज करता जाता है ठीक है